गाजा में इजराइल की सेना के हमले लगातार जारी है। हमास के आतंकियों को वहां ढेर किया जा रहा है। हमास के कई ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। गाजा में पूरी रात धमाके होते रहे। हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं, जबकि इस युद्ध में अब तक सिर्फ गाजा में 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वेस्ट बैंक में अब तक 140 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रात भर इसी तरीके से वहां पर हमले किए गए। गाजा में इन दिनों इजराइल के सैनिकों और हमास के लड़ाकों में सीधी जंग चल रही है। इजराइल की तरफ से जल, नब और थल से हमला किया जा रहा है, तो हमास भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा। हमास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उसके लड़ाके गाजा में इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी करते दिखाई दे रहे हैं। खंडहरनुमा इमारत में हमास के लड़ाके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करते हुए दिखाई दिए। हमास से जुड़े सूत्रों का दावा है कि हमास ने गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी की है, और उसका मानना है कि वो अपने कट्टर दुश्मन को युद्ध में धूल भी चटा देगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास को उम्मीद है कि उसके हजारों लड़ाके फिलिस्तीनी इलाके के नीचे बनी सुरंगों में महीनों तक जीवित रह सकते हैं और गुरिल्ला रणनीति से इजरायली सेना को टारगेट कर सकते हैं। हमास का मानना है कि इजरायल की गाजा पर घेरेबंदी खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना भी जरूरी है। इस बीच एक और बड़ी खबर अम्मान में। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह से मुलाकात की। इस दौरान इजराइल हमास जंग और गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद जॉर्डन पहुंचे, जहां पर इजराइल हमास युद्ध को लेकर चर्चा की गई। जॉर्डन के किंग ने युद्ध विराम की मांग की है। और उधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया। गाजा में युद्ध विराम की मांग करते हुए हजारों लोग यहां पर इकट्ठा हुए। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें लोग फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए नजर आए, जबकि प्रदर्शन में शामिल लोग फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगा रहे थे और गाजा में हवाई हमलों में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से युद्ध विराम की अपील करने और इजराइल की सेना का फंड बंद करने की भी मांग की।